तो यहां पे हमारी कोलकाता में जेडी बिरला इंस्टीट्यूट है और उसकी महिला टीम यानी वुमेन्स टीम की जो कप्तान है वो इस वक्त हमारे स्टूडियो में है, उस्मा आफीन अख्तर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप एक्चुअली एक लिविंग एग्जाम्पल है कि स्पोर्ट्स में, क्योंकि अभी भी एक मैं समझता हूँ सोशल स्टिग्मा कहीं ना कहीं है कि लड़कियां स्पोर्ट्स में ज्यादातर नहीं जा पाती हैं, इट्स अ बॉयज गेम स्टिल मेनी पीपल थिंक। सो वी वॉन्ट टू नो आपका सफर कैसा रहा, हाउ कैसे आप क्रिकेट में आई और इस मुकाम पर आप पहुंची हैं, आगे आपके क्या प्लान्स हैं? तो ऑनेस्टली बचपन से ही हमें स्पोर्ट्स का बहुत शौक रहा है। स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह अप्रोच की स्पोर्ट्स मिले ही मिले। तो जब व्हेन आई एंटर्ड कॉलेज तो उतना एक्सपोजर नहीं था स्पोर्ट्स में, सो वी वर टेकन अबैक कि हमें उस जगह जाना था जहाँ स्पोर्ट्स के लिए बहुत एक्सपोजर रहा। बट इट इज़ अबाउट हाउ यू टेक अप इनिशिएटिव। तो हमने अपने प्रिंसिपल, अपने कॉलेज के मैनेजमेंट से बहुत रिक्वेस्ट किया कि हमें कोई स्पोर्ट्स एंटर करने दे। तो हमारे सामने फुटबॉल, क्रिकेट जैसे बहुत सारे ऑप्शन थे। तो हम अपने दोस्तों के साथ मिल के, जहाँ हम लोग घर जाते थे तो कहीं छत पे हम क्रिकेट स्टार्ट कर लेते थे खेलना। वो जैसे गली क्रिकेट हमारे चलता रहता था, बट उसे फॉर्मल फॉर्मेट में लाने में हमारा कॉलेज ने बहुत हेल्प किया। तो हम वहाँ पे अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ मिले, जहाँ हमने फ्रेंड्स सेलेक्ट किए, एक टीम बनाई और फिर उस टीम के साथ हम गए, हम जीते। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा 3 साल के लिए। हम आशा करते हैं कि हम आगे भी जिस इंस्टीट्यूट के पार्ट बने वहाँ भी ऐसा कोई वुमेन एम्पावरमेंट जो स्पोर्ट्स के थ्रू एक्सपोजर दे वुमेन्स को, ऐसा इट्स लाइक दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड इन अ न्यू इन यूथ इंडिया। देखिए आप पता नहीं, बहुत जनों को नहीं पता होगा कि रविचंद्र अश्विन जो हमारे टेस्ट टीम के बहुत बड़े गेंदबाज हैं और अहम हिस्सा हैं, वो पहले उन्होंने पढ़ाई की इंजीनियर है, वो क्वालिफाइड इंजीनियर हैं और इसके बाद वो क्रिकेट खेल रहे हैं। इवन कृष्णमाचारी श्रीकांत ही वाज एन इंजीनियर, अनिल कुंबले। तो देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स जिन्होंने पहले अपनी पढ़ाई पूरी की है, खेलते खेलते पढ़ाई भी की है और इसके बाद वो क्रिकेट में आए हैं। और ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, उष्मा जी के साथ बैठ के बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि आप, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं वो हर फील्ड में होना चाहिए। क्रिकेट क्यों छूटेगा, फुटबॉल क्यों छूटेगा? और इन्होंने क्रिकेट को सेलेक्ट किया जरूर। ये एक मैं इंडियन टीम का एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब वो कोई भी वर्ल्ड कप जीतती है या टेस्ट चैंपियनशिप जीतती है, बायलैटरल सीरीज जीतती है, तो उससे बहुत लोग उत्साहित होते हैं और उस गेम को लेना चाहते हैं, उसको अपनाना चाहते हैं। और अगर उनके साथ स्कूल भी जुड़ जाए और स्कूल का मैनेजमेंट अगर हेल्पफुल हो, वो भी चाहे कि भाई नॉट ओनली वुमेन एम्पावरमेंट, आपको जो शौक है, जो पसंदीदा खेल आपका, वो अगर स्कूल कॉलेज में आपको मिले तो फिर आपका खेलने का उत्साह भी दुगुना हो जाता है और आप इक्वल टाइम दोनों को दे सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई को भी दे सकते हैं और जिस गेम को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उसे भी आप टाइम डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। उसमें अभी आप किस पोजीशन पे खेलते हो, किस तरह की आपकी टीम है, क्या सब प्लानिंग वगैरह चलती है? वी नीड द ड्रेसिंग रूम टॉक। तो हम वुमेन्स टीम है, तो पहले तो इनिशियली हम झूठ नहीं बोलेंगे, जब टीम बनती है तो एक वो झिझक रहती है, आपसी में बात नहीं कर पाते कि टीम कैप्टन, अब वो ईगो प्रॉब्लम भी आ जाता है कभी कभी कि हम में क्या ऐसा नहीं है जो उस कैप्टन में हो तो और उसका बात माना जाए। पर इनिशियली इवेंचुअली जब हम एक टीम की तरह बहुत करीब एक दूसरे को जानने लगते हैं, एक दो गेम खेल लेते हैं और ऐसे जब गेम्स में आगे बढ़ते जीतने लगते हैं तो कहीं ना कहीं वो विश्वास बन जाता है कि अगर वो कुछ बोल रही है या हम में कुछ बात हुआ है तो हम उनका बात पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो एक वही इनिशियली फर्स्ट ईयर में ऐसा नहीं था कि मेरा टीम बहुत अच्छा था और हमने कोई गेम जीता, बट इवेंचुअली जब हम लोग थर्ड ईयर में आए, हमें वो टीम बॉन्डिंग बनी, वो टीम रिस्पेक्ट आया, तब हमें था कि जब अगर कोई कैप्टन, या मेरे ऊपर भी था कि अगर कोई फेलो मेंबर मुझे कोई ऑप्शन दे रहा है कि हमें ऐसे करना चाहिए और ऐसे नहीं करना चाहिए, तो वी शुड एक्सेप्ट दैट कि हमें देखना चाहिए कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू अगर ऐसा लग रहा है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा हम सही है, बट एंड डिसीजन मेरा होता है, बट आई शुड टेक इनटू कंसीडरेशन द डिसीजन ऑफ ऑल अदर मेंबर्स इन माय टीम।